तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल टैग ट्रेडर में। आज मैं आपके लिए एक इंटेक्स की ब्रांड न्यू मॉडल लाया हूँ, जिसकी मॉडल नेम है इंटेक्स बूम बॉक्स 3500। आप ये बॉक्स देख सकते हैं, इसकी डिजाइन भी आप देख सकते हैं। अभी मैं इसके थोड़े देर में अनबॉक्सिंग करूंगा और इसमें आपके साउंड क्वालिटी चेक करके बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बिकॉज मैं इसमें डिटेल फीचर्स आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो चलिए आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइस, मैं अभी इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसमें पहले फर्स्ट तो आपको एक वायरलेस माइक देखने को मिलेगा। ये वायरलेस माइक इसलिए दिया है कि जैसे आप कैरियोके गाना वाना गाते हैं तो इसमें वो फीचर्स दिया हुआ है। तो आप इसमें अगर गाना गाना है या छोटे मोटे कोचिंग में जैसे सर लोग पढ़ाते हैं तो वहाँ ये काम आ जाएगा, या छोटे छोटे प्रोग्राम में ये काम आ जाएगा। ये माइक, ये वायरलेस माइक है और इसमें आपको एक चार्जिंग के लिए अडेप्टर दिया हुआ है, जैसे इसको आप चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें इनबिल्ट बैटरी लगा हुआ है। अगर एक बार चार्ज करेंगे 5 to 6 hours से चार्ज कर देंगे तो ये 5.5 घंटे इसका बैटरी बैकअप रहेगा। ये आप एडेप्टर देख सकते हैं। बाकी एज यूजुअल जो आपको माइक ये रिमोट देखने को मिल जाएगा, ये मैं आपको थोड़े देर में सब चेक करके बता दूंगा। ये यूजर मैनुअल आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं जब आप ये आप स्पीकर अगर आप मार्केट से खरीदेंगे तो। बाकी मैं अभी स्पीकर दिखा देता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं। ये इंटेक्स की जो बूम बॉक्स स्पीकर है, इसमें फीचर्स आपको बहुत अच्छी है। देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये पूरा आपको नेट अच्छा मतलब स्टील की दी हुई है। और मैं अभी इसे ऑन करता हूँ ब्लूटूथ मोड। अब मैं इसको आपको साउंड चेक करके बताता हूँ कि इसमें कैसे मतलब साउंड क्वालिटी क्या है। तो अभी मैं इसे पहले ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या मतलब लगेगा, मेमोरी कार्ड एंड ऑल कहाँ लगेगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस, मैं अभी इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये अब कनेक्ट हो चुका है, मैं ऐसे भी प्ले करता हूँ। मुझे नॉन कॉपीराइट सॉन्ग प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज कॉपीराइट आ जाएगा इसमें, इसलिए अब मैं इसे प्ले करता हूँ। देखिए, गाइज आप देख सकते हैं इसकी मॉडल। आप ये इसमें आप क्या क्या मतलब दिया हुआ देखिए। इसमें मोड है, आपको मोड जो चेंज करेंगे, ब्लूटूथ है, ये ऑक्स के लिए दिया हुआ, जैसे कंप्यूटर टीवी और ये सब में आपको कनेक्ट करना है तो ये काम होगा। और ये एफएम मोड दिया हुआ है, प्लस इसमें आपको ब्लूटूथ मोड दिया, प्लस ये एलईडी इसलिए दिया हुआ है देखिए, इसमें आपको लाइट आरजीबी लाइट दिया हुआ है। इसमें 6 मोड है, मतलब 6 बार आप इसको प्रेस करेंगे तो अलग अलग लाइट का डिजाइन आएगा। कभी रोटेशन होगा, कभी आपको मतलब एक स्टील प्ले हो जाएगा, फिर कभी आपको म्यूजिक के साथ वो वाइब्रेट भी होगा। देखिए, इसमें आपको चार्जिंग के लिए यहाँ लगाना है आपको, इसमें आप एक वायर माइक भी लगा सकते हैं। ये आपको जो 3.5 mm जैक वाले केबल होते हैं वहाँ लगा सकते हैं, छोटी मेमोरी पेन ड्राइव आप लगा सकते हैं। ये आपको ऊपर का मतलब हवा जो निकलता है उसमें से ही आप ये देख सकते हैं। बाकी इसकी बेस क्वालिटी तो अच्छी है। बाकी मैं अभी इसको आपको एक ठो चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें आप जैसे इसमें अलग अलग स्पीकर जैसे साउंड आप किए हैं तो इसमें आप बेस ट्रेबल भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। अभी मुफ्त डीमैट खाता खोलें। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।
अभी मैं आपको माइक में बैटरी डाल के आपको ये माइक चेक करके बता देता हूँ। साउंड क्वालिटी तो इसको काफ़ी अच्छी थी, मतलब आपको बेस क्वालिटी भी अच्छा है, प्लस आपको इसमें एक रिकॉर्डिंग फीचर्स भी दिया हुआ। जैसे आप कोई गाना जैसे कैरोके करेंगे तो आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो उस पेन ड्राइव में वो जैसे आप गाना गाएंगे माइक से तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। हेलो हेलो माइक के बोल ब्लूटूथ मोड हेलो 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 तो गाइस माइक आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी है माइक की, मतलब आप 10 मीटर रेंज है। इसमें ब्लूटूथ वर्जन आपको 5.2 दिया हुआ है। आप 5.2 इसलिए है कि ये फास्ट कनेक्ट हो रहा है। बाकी माइक आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा माइक भी होगा। ऐसे ही सिंपल कोई भी माइक लेने जाएंगे तो आपको मार्केट में 1500 के नीचे में नहीं मिलेगा। बाकी ये रिमोट में अलग अलग फीचर्स है वही जो आपको गाना नेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, बाकी ये सब तो एज यूजुअल जो समझ रहता है। बाकी इसकी जो ऊपर साइज है वो 8 इंच की है और इन सेंटीमीटर 20.32 सेंटीमीटर में, और क्लास डी एम्पलीफायर है जो काफ़ी अच्छे एम्पलीफायर। जैसे आप छोटे से रूम में अगर इसे प्ले करते हो तो इसकी बेस क्वालिटी आप देख सकते हैं। बाकी इसकी साउंड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। अगर आपने ये स्पीकर कहीं से बाय किया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर अपने लोकल मार्केट में देख लीजिएगा या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं स्पीकर आपको ये डिलीवरी करवा दूंगा। तो प्राइस में आपको मैसेज करेंगे तो मैं बता दूंगा। बाकी गाइस इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये मेरी पहली वीडियो, और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।